अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स। ठीक है, तो अब तक वो डिस्टेंस पूछता आया है, अब डिस्टेंस आपको दे दिया, तो फिर वही फंडा कि PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज गिवन बाय x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू आपको 10 दी हुई है ऑलरेडी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, x2 स्टैंड्स फॉर 10 एंड दिस इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 स्टैंड्स फॉर y माइनस ऑफ माइनस 3, ये ध्यान से करना है। तो 10 इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये हो गया 64 और ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके ये रूट हटा देंगे, इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64, पहले दिखा देते हैं स्क्वायरिंग। अब अगले स्टेप में ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर काट देंगे, ये 100 हो गया और ये 64 प्लस, अब आइडेंटिटी भी ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी लगी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ए का काम y कर रहा है, बी का काम 3 कर रहा है, तो ये 9 आ गया और ये 6y आ गया। यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इन y। 0 इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस 36 हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 36 प्लस 9, 0 इज इक्वल टू, ये समझ आ गया। 100 इधर आके माइनस हो गया, 36 आ गया, ये 9 यहीं का यहीं है, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 25, ये आपको क्वाड्रेटिक बन गई y के अंदर। अब आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके इसके फैक्टर निकाल लेंगे, तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे बताओ, 25 के फैक्टर के 6 आ जाए, 25 के फैक्टर बना रहे हैं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। सो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए तो 9 और 3 27 होते हैं, 9 3 माइनस 3y माइनस 27, ये आगे आपको पता ही है कि कैसे इसके साथ खेलना है। ठीक है जी, तो ये हो गया y प्लस 9, दोनों वैल्यूज़ यहाँ सेलेक्ट करनी है, दोनों की दोनों, क्योंकि कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकते हैं। सेम ब्रैकेट y प्लस 9 यहाँ, वो कोई इशू नहीं है, इक्वल टू 0, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y आपको माइनस 9 और क्या मिला, पॉजिटिव 3 मिला, तो ये आंसर आ गया y के, उसने y की वैल्यू मांगी थी, नेगेटिव 9 और पॉजिटिव 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंट, ये वाला जो Q पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, फ्रॉम P 5 minus 3 एंड R x, 6 एक अननोन दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, हमने ऐसा इक्विडिस्टेंस वाला किया हुआ है, तो एक छोटा सा डायग्राम बना लिया करते हैं, ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट और ये R पॉइंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, Q के कोऑर्डिनेट है 0,1, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3 एंड R you got as x, 6। इक्विडिस्टेंट वर्ड दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो QP है वो QR के इक्वल होगा, उसने बोला है कि QP और QR दोनों इक्वल होंगे, उसने बोल दिया पहले से। अच्छा, यहाँ एक इंटेलिजेंटली डिसीजन हम ले सकते हैं, रादर बाद में भी तो स्क्वायरिंग करनी है, पहले ही स्क्वायरिंग कर दीजिए। देखो पहले ही स्क्वायरिंग कर दो, कैसे, स्मार्ट वर्क करना है। क्यों, क्योंकि देखो अगर 2 इज इक्वल टू 2 है तो अगर स्क्वायर कर दें तो भाई तब भी तो 4 इज इक्वल टू 4 है, इसलिए चाहे बाद में करो, ये ध्यान से समझ लो, ये स्क्वायरिंग मैंने पहले ही कर दी। क्यों कर दी, अब मैं स्क्वायर रूट नहीं यूज करूंगा, अब सीधा ही QP, Q और P में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो फिर ये हो जाएगा 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, बार बार बोल रहा हूँ, पहले स्क्वायरिंग कर दी है। इधर होगा x - 0 होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 होल स्क्वायर, ये 25 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस करेंगे और ये आ जाएगा 16। अच्छा अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें भी दो टर्म्स हैं और स्क्वायर है, इसमें भी आइडेंटिटी लगा देते हैं। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं। अरे भाई x माइनस जीरो इज नथिंग, x ही तो होगा, तो सिंपली x ही लिख दीजिए। अगर यहाँ जीरो के बजाय कोई नंबर होता तो आइडेंटिटी लगती। अच्छा यहाँ हो गया 25, ठीक है जी। तो गेम ओवर, 25 से 25 कैंसिल हो गया, ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, उधर जाके माइनस होके जीरो ही तो होना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। ये एक्स की दो वैल्यूज आ गई है। अब हमने दोनों निकलेंगे, जब रूट से निकलेंगे तो दोनों निकलेंगे, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस 16 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस 16 होता है, इसलिए दोनों निकलेंगी वैल्यू जब भी रूट से इक्वेशन में ऐसे निकालना है। अच्छा अब क्या है, पहला पार्ट डन हो गया, एक्स की दो वैल्यूज आ गई, देयरफॉर एक्स स्टैंड्स फॉर -4 एंड +4। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट कहता है कि इसका डिस्टेंस भी फाइंड कर लो। अब देखो क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस फाइंड करना है, क्यू आर और पी आर का, तो बस नो प्रॉब्लम। क्यू आर एक्स की वैल्यूज आपके पास हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर द डिस्टेंस फार्मूला सेज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो क्यू आर यानी कि इसके कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। अब बताओ अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम दोनों कोऑर्डिनेट यूज करें कि एक ही कोऑर्डिनेट से कर दें। अब x की तो दो वैल्यूज आई हैं, एक 4 आई है, एक -4 आई है, क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। एक बार 4 और 6 और -4 और 6 देखते हैं। तो फिर x2 की वैल्यू 4 - 0 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 6 - 1 होल स्क्वायर, तो ये 16 हो गया और ये 25 हो गया, ठीक है जी, 41 आ गया, √41 यूनिट्स। अच्छा ये हमने यूज किया, क्या यूज किया, 4 यूज किया। अगर आप -4 यूज करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, सेम आएगा, तो इसलिए आप कोई दिक्कत, क्योंकि बेटे 4 - 0 भी 4 होता है, -4 - 0 भी -4 होता है, स्क्वायर करेंगे 16 ही आएगा, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये अगला पार्ट भी हो गया। आगे उसने बोला कि पी आर के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर दो, पी आर, तो पी और आर दोनों के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू चलो 4 यूज कर देते हैं, 4 - 5, यहाँ भी देख लेते हैं कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 4 - 5 होल स्क्वायर, 6 - -3 होल स्क्वायर, ठीक है, एक डिडक्शन करेंगे, तो ये कितना आ गया, ये तो 1 आ गया। 4 - 5 -1 स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये हो गया 9 हो जाएगा, ये 81 हो गया, √82, कुछ निकल भी नहीं पाएगा, आई डोंट थिंक सो, कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है, हाँ तो कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा अब ये हमने यूज किया था 4, अगर हम देखें, हाँ तो इसलिए ये आपने सोचना है, ठीक है, इसलिए तो पी आर यूजिंग x2 एज -4, तो -4 नहीं, इसमें बीच में फंड करें, -4 - 5 -4, चलो वो तो पॉजिटिव, -5 का होल स्क्वायर, ये कितना है जी 6, ये तो वही हो जाएगा, चाहे डायरेक्टली लिख दो, कितना आएगा 6 और ये 81 आ जाएगा, ये कितना आ गया, यानी कि 81 कितने हो गए, 162, हाँ चलो सीधा से लिख देते हैं, निकल जाएगा 9√2 यूनिट्स। ये दोनों तीनों जितने भी आंसर थे आ गए। बोर्ड वाले ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं ताकि बच्चे क्या करें, है तो इजी है कि कोई ना कोई स्टेप छोड़ देंगे, वो सोचेंगे चलो छोड़ो, कहीं तो बच्चे यही करते हैं कि √16 को 4 लिखेंगे बस, वो ये गलत है। देखो याद कैसे रहेगा ये समझना जरूरी है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये क्या है, इधर देखना बेटे, इधर देखना, ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, पावर 2 क्या होती है, क्वाड्रेटिक, जितनी पावर उतने आंसर आते हैं, उतने रूट्स उतने आंसर आते हैं, तो ऐसे भी सोच लो। अगर ये एक्स ही होता तो आ गया था, ये स्क्वायर है, अगर क्यूब होता तो 3 आते हैं। तो इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि x की जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने आंसर आते हैं। तो यहाँ पावर 2 है तो 2 आंसर आएंगे, इसलिए अगर 1 आ रहा है तो फिर सोचने की जरूरत है, तो दोनों लेने हैं। तो लेकिन उन दोनों का रोल इसमें नहीं हुआ क्योंकि 0 था। अगर 0 के अलावा कुछ और होता तो वो अपना रोल प्ले कर देता, लेकिन इसमें दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, दोनों डिस्टेंस डिफरेंट आ रहे हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट। पहली बात तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कई बच्चों को कि रिलेशन, अब तक तो डिस्टेंस की बात हुई है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो कहता है वो कर दो। ऐसा किया करता है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई, ये जो पॉइंट है चलो इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह कि ये जो पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंट पर है, इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट का ए से भी और बी से भी। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। स्क्वायरिंग बाद में भी करनी है, पहले भी करनी है, अभी कर लो बेटर है। Squaring both sides, PA square is equal to PB square। अब रूट नहीं लिखना है, रादर आप रूट लिख के वो भी स्क्वायरिंग कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, चॉइस इज टोटली योर। तो ये क्या होगा PA यानी कि x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x प्लस 3 हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे माइनस फॉर्मूले वाला और माइनस ये। This is the last question, इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। y माइनस 4 होल स्क्वायर, चार आइडेंटिटी ओपन करनी है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। टेप लो, टेपो सुल्तानो टेप लो। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। y square x square will cancel this y square x square। अब क्या करो, नंबर भी कुछ कट रहे हैं, ये भी प्लस 9 ये भी प्लस 9। ये ध्यान रखना पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, सेम तभी कटते हैं, ठीक है। क्या कोई और नंबर कट रहा है? नहीं कट रहा है, ठीक है। इसलिए अब क्या करते हैं, सारा का सारा जो सामान है वो इधर ले आते हैं, सारा का सारा, ठीक है। पहले x की बारी, तो ये माइनस 6x पड़ा है इधर से। ये कभी भी गलती से माइनस और प्लस वाले को मत कट कर देना। ये मैं क्यों कट कर रहा हूं कि एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएंगे। ये तो भैया अपोजिट साइन के हैं, ये नहीं कटेंगे। तो इसलिए अब गलती ना हो, अब थोड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। ये आ गया y वाली टर्म के साथ y वाली टर्म, ये छोटी क्लास में आपने सीखा है। वी कैन ओनली एड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। सो हेयर द नंबर इज 36 और हेयर द नंबर इज माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मैं सारा सामान इधर ले आया। ये हो गया माइनस 12x, ये हो गया कितना हो गया माइनस 4y, ये कितना हो गया पॉजिटिव 20 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन है सब में? नेगेटिव 4 कॉमन निकाल लो, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है ना, नेगेटिव अच्छा नहीं लगता, नहीं रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। बाकी नेगेटिव पॉजिटिव कोई लेना देना नहीं, तो नेगेटिव कॉमन लो। नेगेटिव 4 कॉमन ले लिया, क्या बचा माइनस 3x। नेगेटिव लिया तो ये पॉजिटिव बचा, यहाँ से नेगेटिव लिया तो ये प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही तो आंसर है, ठीक है जी। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन आ गया, देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 0। दिस इज भाई, ये करना था। तो आपने इस क्वेश्चन से ये देखना है, वो तो कोई ना कोई लैंग्वेज डालेगा, हमने घबराना नहीं है। हमने एक वर्ड पकड़ा, यहाँ कौन सा वर्ड था? इक्विडिस्टेंट। इस इक्विडिस्टेंट को तो जो कह रहा कर दो आगे आगे। हम कई बार ये सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? 2-3 लाइनें चलाओ तो सही अपने आप। पिछले वाले कभी वो एक्स की वैल्यू मांग लेगा, कभी वाई। यहाँ पर ना एक्स निकल सकता है ना वाई निकल सकता है, क्योंकि दो अननोन है, कंडीशन एक है। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। हमने चैप्टर नंबर 3 किया, क्या नाम था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया था ना, पेयर होना चाहिए। तो यहां पर नहीं होगा, इसलिए रिलेशन ही आएगा। एक्स और वाई में एक तरह की लीनियर इक्वेशन ही आ गई हमारे पास। सो दैट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले हम एनसीईआरटी करेंगे सारी, 7.2 करेंगे, जो कि सेक्शन फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, डेरिवेशन नहीं है, आई नो दिस, ठीक है जी। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे इसके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना इजी नहीं आने वाला पेपर।